गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के अभी 8:40 हो रहे हैं और मैं अपनी यूनिवर्सिटी आ चुका हूँ और आज मेरी अभी क्लास है 8:45 पे हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन की। तो ये बिल्डिंग सामने वाली है ना, अच्छा ये वाली, ये बिल्डिंग 3 है, इसमें हमारी आज क्लास है। बिल्डिंग तो भाई बढ़िया है यहाँ पे, ये देखो क्रिसमस ट्रीज। बिल्डिंग 3 ये है दोस्तों, वो सोनू भाई गलत बता रहे थे, ये है हमारी बिल्डिंग 3। तो दोस्तों आज हम पूरे एक्यूरेट टाइम पर आए हैं बिल्कुल। तो दोस्तों अभी हमारी हिस्ट्री ऑफ रशिया की क्लास थी वो ख़त्म हो चुकी है, अब नेक्स्ट क्लास है हमारी 10:30 बजे, मतलब अब से 5 मिनट बाद फिजिकल की। तो हम आपको वहीं मिलते हैं दोस्तों। ये लोग फिजिकल क्लास में जंग लड़ने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इन्हें फतेह हासिल होगी। तो दोस्तों ये मेरे क्लासमेट्स हैं और ये फिजिकल क्लास जाने के लिए रेडी हैं। जरूर, इज वेरी क्यूट राइट। तो दोस्तों ये मैं हूँ और ये सोनू भाई हैं और ये हम लंच कर रहे हैं। तो बेसिकली बात क्या है कि अभी हमारी थी फिजिकल की क्लास जो हमने अटेंड करी, अब उसके बाद हमारे पास 3.5 घंटे हैं पूरी नेक्स्ट क्लास के लिए लैटिन के लिए। तो हमने सोचा पहले कुछ खा लेते हैं, तो हम बिल्डिंग 2 में कैंटीन में हमारे खाना खाने के लिए, फिर उसके बाद हम जाएंगे बिल्डिंग 7 में लाइब्रेरी में, थोड़ा पढ़ेंगे रशियन लैंग्वेज और लैटिन पढ़ेंगे। थोड़ी हमारी वीक है रशियन लैंग्वेज, तो हम सोच रहे हैं कि अब थोड़ा उस पर वर्क करें और अपनी रशियन लैंग्वेज सुधारें। बाकी सोनू भाई और मैं अब आपको मिलेंगे कहाँ पे? बिल्डिंग 7 में लैटिन की क्लास में। बिल्डिंग 7 में जाएंगे ना पहले? हाँ, लैटिन लाइब्रेरी। ठीक है भाई, बाय। तो अमन भाई अब खाना खा चुके हैं, पानी पीने आए हैं, देख ही सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम बिल्डिंग 7 में हैं और हम लाइब्रेरी गए थे, तो लाइब्रेरी बंद है अभी। तो अब हम यहाँ पे बैठे हैं, ये सचिन है ये तो सो गया, इस बेचारे को भूख लग रही है बहुत ज़्यादा और ये मांग रहा है पका सा। और सचिन भाई के लिए ही अगले साल मैं और सचिन भाई और एक सीनियर मिल गए आलू के पराठे का एक दुकान खोलने वाले हैं। 25 रुपये का पराठा रहेगा एक, और 15 रुपये का एक प्याज का पराठा, और 20 रुपये का एक समोसा, और 50 रुपये में 2 छोले भटूरे। और हर एक इंडियन का मैं दर्द समझ सकता हूँ, इसी दर्द को देखते हुए ये निर्णय हम लोग लिए हैं। पढ़ाई वढ़ाई छोड़ते हैं पहले, यहाँ पर भूखों का पेट मैं नहीं छोड़ रहा हूँ भाई, पढ़ाई मैं पढ़ाई करूँगा। तो सोनू भाई ने मेन्यू बता दिया, जो अगले साल बच्चे जो आने वाले हैं उनके लिए पूरा मेन्यू बता दिया है। और बाकी दोस्तों अभी लाइब्रेरी खुलेगी तो मैं लाइब्रेरी में जाके पढ़ूंगा, फिलहाल अभी बंद है लाइब्रेरी 12 बजे तक। ये है हमारी बिल्डिंग 7 के सबसे ऊपर वाले फ्लोर का बाहर का व्यू। और दोस्तों मैं आपको अपने बारे में एक बात बताऊँ कि मैं या तो एकदम एक्सट्रीम खुश होता हूँ या फिर एक्सट्रीम दुखी होता हूँ, और सोनू भाई मेरा भी वही है, तुम्हारा भी यही है। तो सोनू भाई भी या तो एक्सट्रीम दुखी होते हैं या एक्सट्रीम दुखी ही होता हूँ, खुशी एक्सट्रीम नहीं हो पाता। हाँ, क्योंकि तो धरती पे कोई चीज़ है ही नहीं खुश करने लायक, सारी चीज़ें सिर्फ दुख वाली हैं। मेरा तो यही है भाई, या तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, खुश होता हूँ तो मैं सब कुछ करता हूँ, मैं परवाह नहीं करता दुनिया की, लेकिन जब मैं दुखी होता हूँ तो फिर दिक्कत होती है बस। और यहाँ पे अगर तुम दुखी हो तो तुम्हें खुद ही अपने आप को संभालना है, ठीक है ना? खुश होने की कोई चीज़ ही नहीं है भाई। इंडिया में भी मैं सोचता था कि चलो विदेश जाके खुश होऊंगा, यहाँ आया तो यहाँ पता चला कि यहाँ तो और ही दुख ही दुख है, सिर्फ दुख है इस धरती पे और कुछ नहीं। इसलिए भाई मैं तो जो छोटी छोटी चीज़ें मिलती हैं ना खुशी की, मैं उसी से खुश हो जाता हूँ। जैसे कि अमन भाई कल जा रहे थे नदी में, इन्होंने मछलियाँ देखी, मछलियों को देखकर अमन भाई खुश। मैं खुश हूँ भाई, और भी कई सारी चीज़ें। आज सुबह कुत्ता एक भौंक रहा था, अमन भाई इसलिए खुश थे कि कुत्ता भौंका कम से कम। हाँ, यहाँ पे कुत्ते भी नहीं भौंकते भाई। हाँ। और एक बार क्या हुआ, एक बार बस ने अपना हॉर्न बजा दिया तो मैं उसे खुश हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो बस के हॉर्न बजते नहीं है, तो मुझे लगा हाँ इंडिया की याद आई भाई बस के हॉर्न सुन के। और अमन भाई ने एक बार जब घड़ी देखा यहाँ पे तब भी बहुत खुश हुए, क्योंकि
यहाँ पे तो लोगों को टाइम से कुछ मतलब ही नहीं, क्योंकि उन्हें टाइम का खुद ही पता होता है, सुबह उठ जाते हैं अपने काम पर जाते हैं, मशीन है हाँ। और जैसे कि कभी मैं पराठे 4 की जगह 5 बना लेता हूँ तो उसमें खुश हो जाता हूँ मैं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा कोई दोस्त हमारा खा लेगा। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ हैं जिनसे मैं खुश होता हूँ, और दुखी रहने के तो कई सारे कारण हैं। तो लेकिन जब मसाले डालते हैं अमन भाई सब्जियों में और वो एकदम एक्यूरेट डल जाते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ, खुश होते हैं। और जैसे कि कल मैंने मसाले डाले सब्जियों में तो एकदम बेहतरीन भाई, इन हाथों में क्या है, जादू है और कुछ नहीं है, मतलब जिस चीज़ को भी मैं छू लूँ, जैसे मैं तो सोना हूँ ही भाई, और मैं जिसको भी हीरा हूँ लेकिन दूसरे को सोना बना देता हूँ। बस यही सब छोटी छोटी खुशियाँ हैं हाँ, और इन्हीं के सहारे अपने 6 साल काट लेंगे और अपने डॉक्टर बनेंगे, बेहतरीन डॉक्टर बनेंगे। सुनो भाई, ऑर्थो बनेंगे क्योंकि मेरे बड़ी सर्जन हाँ, या मेरे भाई का सपना था कि मैं ऑर्थो बनूं, तो मैं ऑर्थो ही बनूंगा, ठीक है ना। दैट्स इट फॉर टुडे। तो भाई मैं अपने अभी हॉस्टल में हूँ, रूम पर हूँ। आज ज़्यादा मैं व्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि मेरा थोड़ा मूड सा ख़राब हो गया था, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग बना नहीं पाया। बाकी जितना भी बनाया है मैंने वो देख लो, और मैं ऐसे ही अपने डेली व्लॉग्स डालता रहूँगा रोज़, चाहे कोई देखे ना देखे मैं तो डालूँगा भाई, मुझे तो मज़ा आता है क्योंकि मेरा तो भाई ये पैशन था पहले से ही। और बाकी मैं तो व्लॉग बनाता हूँ ताकि मेरे घर वाले मुझे देख लें, बस मेरे भाई बहन, बस इसीलिए। बाकी मुझे कुछ भी शौक नहीं है ऐसे कि भाई मुझे यूट्यूबर बनना है या कुछ करना है, कोई मतलब नहीं है। मैं बनाता हूँ बस मज़े के लिए, क्योंकि मेरा शौक था कि मुझे कुछ ऐसे ही व्लॉगिंग वगैरह करनी थी शुरू से ही। और मेन रीज़न तो ये है कि मैं तो अपने मम्मी पापा भाई बहन मुझे बस देख लें, ये देखें कि मैं खुश हूँ, इसीलिए बनाता हूँ बस।